يركم معنا. मुसलमानों के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुकद्दस मकाम अल्लाह का घर यानी मस्जिद होता है। यहाँ वो दिन में 5 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने यानी नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, और जब माह रमज़ान आता है तो मस्जिदें नमाजियों से कचाकच भर जाती हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक की सआदतें और बरकतें लूटने सब इकट्ठे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ ऐसे वाकयात जो मस्जिद के अंदर रोनुमा हुए और ये बड़े ही वियर्ड किस्म के थे। शुरू करते हैं सबसे पहले उस वाकये से जिसे न्यूज ABC7 न्यूयॉर्क ने रिपोर्ट किया, और ये आज से 6 दिन पहले का वाकया है। दोस्तों बताया जाता है कि न्यू जर्सी के अंदर एक मस्जिद थी जिसके 65 साल इमाम जमात करवा रहे थे, और उनके पीछे तकरीबन 7 सफों के अंदर मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। CCTV फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि जब वो सजदे की हालत में जाने लगे तो एक शख्स सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और इमाम को स्टैब किया। इमाम पर उसने कातिलाना वार किया, लेकिन फौरी तौर पर तमाम नमाजियों ने आगे बढ़ के उसे पकड़ लिया। नमाज तो टूट गई लेकिन इमाम साहब को बचा लिया गया। जैसे ही इस शख्स को गिरफ्तार किया गया तो वहां के मुसलमानों ने इसे अच्छा खासा पीटा, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान या कोई ऐसी रियासत नहीं थी जहां पर कानून हाथ में लेकर इस शख्स को कत्ल कर दिया जाता, इसलिए सिक्योरिटी का अमला मौके पर पहुंचा और उस शख्स को बचाकर वहां से निकाल लिया गया। सबसे पहले तो इसकी जहनी हालत का पता लगाया गया और फिर उसके बाद इसे ट्रायल के लिए कोर्ट में पेश किया गया ताकि पता चले कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। इस पर 2 चार्जेस लगाए गए, एक इमाम पर कातिलाना हमले का और दूसरा वेपन अपने पास रखने का जो कि इल्लीगल था। इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा ये तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका, लेकिन ये अपनी नौयत का एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया। दूसरे नंबर पर जो वाकया मौजूद है इसको आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा होगा, जो कि अलजजायर के एक इमाम जिनका नाम शेख वलीद है उनकी वीडियो क्लिप का है। दोस्तों ये भी CCTV कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया गया जिसके अंदर इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे हैं और ये रमजान मुबारक की बरकतें समेटने के लिए तमाम अफराद के साथ इकट्ठे हैं कि अचानक से एक बिल्ली इमाम साहब के करीब आती है। पहले तो वो नीचे मौजूद होती है, फिर वो इनके जुब्बे पर चढ़ते हुए इनके कंधे तक आ जाती है। इमाम साहब बजाय इसके कि इस बिल्ली को अपने से दूर भगाते या फिर इस बिल्ली को शू करके वहां से दूर कर देते, वो इससे प्यार करने लगे और ये बिल्ली जो इमाम साहब के कंधे पर आकर बैठी हुई है इसको इमाम साहब ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसके साथ इंतहाई प्यार और शफकत भरा तरीका कार इख्तियार किया, जिससे लोगों को अंदाजा हुआ कि इस्लाम मोहब्बत का दीन है, प्यार का दीन है। और फिर इस बिल्ली को इमाम साहब के चेहरे को चूमते हुए देखा गया, जो कि अपनी जात में एक मौजजा एक करामत गिरदानी जाती है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तीसरे नंबर पे जो क्लिप है दोस्तों इसके अंदर भी अनफॉर्चुनेटली एक इमाम साहब के ऊपर अटैक हुआ। दोस्तों ये वीडियो वस्ती एशियाई मुल्क की है जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद तो ये वीडियो इंडोनेशिया की है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये मलेशिया की वीडियो है। इसमें इमाम साहब काले जुब्बे के अंदर मलबूस हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं कि अचानक से एक मखबूतुल हवास शख्स सफों को चीरता हुआ साइड से अंदर की जानिब आता है और इमाम साहब को जूते के वार से दूर कर देता है। इमाम साहब को फौरी तौर पे खतरे की प्रेडिक्शन हो गई और वो अपने आप को टाइमली साइड पे करने में कामयाब हुए, लेकिन लोगों ने जो नमाजी थे उन्होंने इस शख्स को दबोच लिया और इसे घसीटकर मस्जिद से बाहर ले गए। बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि यह शख्स एक जहनी मरीज है और इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह क्या कर रहा है, लिहाजा इसे फौरी तौर पर मेंटल असाइलम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद जो अगला क्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों ये क्लिप हम लोगों की तकरीबन तमाम मस्जिद के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आगे नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं, खास तौर पर रमजान के अंदर जब वो तरावियां पढ़ रहे होते हैं तो छोटे बच्चे पीछे अपनी WWE रेसलिंग लगाकर बैठे होते हैं। अब दिखने में तो ये बड़ा फनी लगता है और इसे एक फन के तौर पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर और फेसबुक पेजेस पर शेयर भी किया जाता है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो अंदाजा होता है कि यह कोई हंसने की बात नहीं बल्कि एक लम्हा फिक्रिया है जिसमें हम लोगों को यह सोचना है कि बच्चों को हमने इतनी तरबियत आखिर क्यों नहीं दी कि वो मस्जिद का एहतराम कर सकें और इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें न करें। ये जो अगला क्लिप आप देखने वाले हैं दोस्तों ये मस्जिदुल हराम का क्लिप है जिसे रिकॉर्ड किया गया। इस क्लिप के अंदर देखा जा सकता है कि 2 अफराद हैं जो कि लंबे लंबे बालों वाले हैं और ये एहराम बांधकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद इनमें से एक लड़की है, जो दिखने में आपको भी लग रहा होगा क्योंकि उसके चेहरे पर कोई बाल नहीं और बाल जो उसके सर के हैं वो भी लंबे हैं, तो लोगों को लगा कि शायद ये कोई औरत है जिसने अजीब तरह से एहराम बांध दिया जिसकी इसे इजाजत नहीं। लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला
मिकात पर कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है और ये है भी अल्लाहलोक यानी थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल है। इसकी हरकतों से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा जिस तरीके से ये चल रहा है। और इसके साथ इसका एक कज़न है जो इसका बड़ा करीबी दोस्त यानी भाइयों की तरह इन दोनों का आपस में रिश्ता था, और इसी तरह इसे अपने कज़न को किस करते हुए भी देखा जा सकता है जो कि अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है कि तेरा भला हो कि तू मुझे अल्लाह के घर ले आया। जैसे ही उम्रा मुकम्मल हुआ तो फिर इस शख्स ने अपने बाल भी कटवा दिए और लोगों को पता चला कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इससे ये पता चलता है कि बगैर वेरीफाई किए हुए सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन शेयर करना इंतहाई गलत इकदाम है जिससे किसी की भी हर्जा सराई हो सकती है। इसके बाद जो अगला क्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक मकामी मस्जिद का है जो कि पाकिस्तान ही की किसी शहर के अंदर रिकॉर्ड किया गया। इसके अंदर देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो भागते हुए एक मस्जिद जो कि गली के अंदर मौजूद है उसमें दाखिल होता है और आगे तकरीबन डेढ़ सफ नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। ये शख्स वो बजाय इसके कि ये आकर दूसरी सफ के लोगों में शामिल होता, ये तीसरी सफ के अंदर अकेला ही अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के नमाज अदा करना शुरू हो गया। लेकिन जाहिर है कि पुलिस भी पंजाब पुलिस है, तो पंजाब पुलिस के नौजवान इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अंदर आके इसको अहम नमाज से उठाया कि चल बेटा तेरी नमाज हो गई, और फिर इसे घसीट कर बाहर लेकर आए, इसकी तलाशी ली और पता चला कि इसके पास से कुछ निकला है, और फिर इसे थाने में बंद करके इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई। इसके बाद जो अगला क्लिप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग क्लिप है। इसके अंदर देखा जा सकता है कि औरतें बाजमात नमाज अदा कर रही हैं और ये किसी मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रही हैं कि अचानक से एक चोर इस मस्जिद में दाखिल होता है। पहले तो वो खड़ा होकर इंतज़ार करता है कि कब ये सजदे में जाएं। जैसे ही ये सब खातीन सजदे में जाती हैं वो आगे बढ़ के इनके पर्स को उठाकर वहाँ से दौड़ लगा लेता है। अब इनमें से कुछ खातीन को ये अंदाज़ा भी था कि यहाँ पर यह शैतान सिर्फ चोर घुस आया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ना तो अपनी नमाज तोड़ी और ना ही वापस पलट कर इस चोर को पकड़ने की कोशिश की, बल्कि वो इतनी ज़्यादा महफ थी नमाज के अंदर कि उन्होंने नमाज को मुकम्मल करना बेहतर समझा। इन खातीन के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। दोस्तों हम में से बहुत से लोग नमाज के मामले में आलसीपन का मुजाहरा करते हैं, यानी टाइमली नमाज नहीं पढ़ते ये कहकर कि अभी मैं उठ जाऊंगा, अभी बैठ जाऊंगा, अभी मैं काम कर रहा हूं या कोई इस तरह की और बात। लेकिन अगर आप ये क्लिप देखें तो आपको अंदाजा होगा कि हम कितनी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। दोस्तों ये सब के सब लोग जो आप इस वक्त इस क्लिप के अंदर नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं ये किसी ना किसी डिसेबिलिटी का शिकार हैं। ये डिफरेंटली एबल लोग हैं जो कि किसी की टांगें नहीं, किसी के बाजू नहीं, कोई बेचारा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद ये सब के सब लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए हुए हैं और नमाज अदा करके हमें लम्हा फिक्रिया दे रहे हैं कि हमें भी अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और बहाने बनाने के बजाय नमाज अदा करनी चाहिए। दोस्तों अब इस अगले क्लिप के अंदर देखिए कि एक शख्स है जो कि अपने बेटे को अपने साथ मस्जिद लेकर आया, जो कि एक बहुत ही अच्छी आदत है कि बच्चों को अपने साथ मस्जिद लाया जाए ताकि उनकी मस्जिद आने की आदत पुख्ता हो। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये नमाजी जब कभी सजदे की हालत में जाता है, ये रुकू की हालत में जाता है, क़याम करता है, जो भी करता है, इस सारे हालात के अंदर इसका जो बच्चा है वो इसके साथ ही है, इसके ऊपर लटका हुआ है, यानी कि उस बच्चे ने इसको काबू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बंदा हिल भी नहीं रहा, जिससे पता ये चलता है कि ये अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहा है। दोस्तों चोर तो आपको पता है कि किसी भी मुआशरे का कलंक होते हैं, लेकिन उससे बड़ा घटिया इंसान कौन होगा जो कि मस्जिद में आकर चोरी करे। अंदाज़ा लगाइए ये शख्स मस्जिद के अंदर एंटर होता है, मस्जिद सारी की सारी खाली है, मस्जिद के अंदर कोई और मौजूद नहीं, और ये मस्जिद में दाखिल होकर वहाँ से सामान चुराता है और फिर उसके बाद इंतहाई इत्मीनान अपने चेहरे पर लेते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। तो खैर दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।